जी सुबह हम निकल गए थे 7 बजे, अभी पहुंचे मुरथल। जो है हम वीडियो नहीं बना पाए थे, पूरा सामान हमारा लोड हो चुका है गाड़ी में, और अभी देखिए सामान पूरा लोड हो चुका है और यहाँ हम रुके हैं आके मोहन ढाबे पे। ये आगे हमारे पराठे, आलू प्याज के पराठे, साथ में दाल मखनी है, दही है, मक्खन है और है हरी चटनी चटनी। और ये यहाँ की हरी चटनी बहुत फेमस है। अगर आप आ रहे हैं हाईवे पे है तो यहाँ पे ये जरूर एक बार टेस्ट करें, पराठे के साथ हरी चटनी। ये मोहन काम्बोज ढाबा है, यहाँ पे आके एक बार जरूर ट्राई करें। हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं अभी हिमाचल में, हिमाचल हिमाचल वाले के। लेते यहाँ टैक्स अपने। पे हमें थोड़ी सी तो फीस भरनी पड़ेगी, 50 रुपये की जेब ढीली करनी पड़ेगी, इसमें से मेरा माला पर्स देना निकाल के। अच्छा मैं कुछ ना सूट भी ले लेना, मैं कह यहाँ भी कोई बेचने आ गया क्या सूट, पूछना कितने का दे रहा। कोई नहीं कोई नहीं, तो किसमें का है? लेने आ जाओ आगे आ जाओ जाओ, बोल तो आ जाओ। कितने, बोलो। 40 है ना? चार यार देखो भाई कैसे तबाही हुई है, एक साइड तो पूरा रोड बह गया है, अभी इसकी रिपेयर चल रही है और वन वे किया हुआ है, मतलब वन साइड से ट्रैफिक चल रही है, एक ही तरफ की रोड। और देखिए पानी अभी भी कैसे बह रहा है, ऊपर से आ रहा है। ये देखिए इधर रोड पूरी बिल्कुल बह गई है, और ये भी बिल्कुल मतलब एज पे रुकी हुई है, डिवाइडर रह गया है खाली, रोड पूरी चली गई है। तो क्या हालात रहे होंगे भाई, देख के ही डर लग रहा है अभी भी, क्या है क्या। तो पानी देखो कैसे आ रहा है अभी भी ऊपर से। अरे बादल हो रहे हैं पूरे, देखते हैं आज कैसा रहता है आगे और क्या क्या, कहाँ रास्ता कैसा मिलता है। आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये हम हैं कोटी रेलवे स्टेशन के पास, और देखो यहाँ पे जाम कितना लगा हुआ है, पूरा ये लैंडस्लाइड हुआ है, पूरा जाम लगा हुआ है, काफी लंबा लग रहा है जाम, तो काफी जहां तक नजर जा रही है गाड़ियां रुकी हुई है। शायद वही है, एक तरफ की ट्रैफिक खोलते हैं फिर एक तरफ से भेजते हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो उसी वजह से इधर रुकी हुई है गाड़ियां। देखो अभी यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, ये देखिए आगे पूरा जाम पैक हो रखा है पूरा भाई, मुश्किल से 200 मीटर आगे आए होंगे फिर रुक गई है ट्रैफिक पूरी, और उधर से भी नहीं आती दिख रही है, रीजन क्या हो रहा है। पहले तो उधर से आ रही थी ट्रैफिक दूसरी साइड से, अभी उधर से बंद है, लेकिन इधर से क्यों नहीं जा रही है ये समझ नहीं आ रहा, इधर की रुकी हुई है पूरी। हाँ ये सारे घूमने ना, क्या भाई क्या हुआ, परेशान हो गए? अच्छा मैं कर रही परेशान कर रही है, हुए नहीं। भाई तकरीबन हमें रुके हुए हो गया पौना घंटा, पौना घंटा तो हो गया हमें, हाँ पौना घंटा हो गया। बस कुछ लोग यहाँ से यू टर्न लेके गए हैं, उसकी वजह से हम लोग थोड़ा सा आगे आए हैं, अदरवाइज नहीं। और ये देखिए सामने ही क्या झरना बह रहा है प्यारा सा, ये सामने ऊपर से आ रहा है पहाड़ों के बीच में से, और ये सिर्फ बरसाती झरने हैं, वैसे बहुत कम अभी है। हाँ होप शायद खुला है उधर से, देखिए हाँ ट्रैफिक उधर से आने लगी है, दूसरी साइड से ट्रैफिक उधर से आई है, वो रिटर्न आए हैं कोई या फिर खुल गई है। अभी थोड़ी देर पहले जो मेरे को जानकारी मिली थी कि कुछ मिलिट्री के ट्रक उन्होंने निकाले हैं सिर्फ 2-3, अभी उसको थोड़ा सा और स्टेबल बना रहे हैं, पूरा का पूरा रास्ता ही खत्म हो गया था, दोबारा से रीजनरेट किया है अभी। और हाँ उधर से ट्रैफिक चालू हो गई, अभी इधर से भी होने वाली है, और ये देखिए लोग उस लेन में भी आ गए हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है बहुत आगे जाम होने वाली है, उधर से आने वाले लोगों को अब परेशानी हो रही है।
तो ये ध्यान रखें, पहाड़ों में आए तो अपनी लेन में चलें, अपनी लेन में रहेंगे तो सामने वाला भी आएगा, आपको भी निकलने का सही मौका मिलेगा। आप दूसरी लेन में जाके जाम को बढ़ाने वाले हैं, कम नहीं होता उससे। और ये देखिए इस बीच कैसे बादल पूरे नीचे आ गए, कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा, पर जो दिख रहा है, और अभी एकदम से ठंडक आ गई है और लोग जल्दी जल्दी अपने वाहनों में बैठ रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि जल्दी चलें, काफी देर हो गई है यहाँ पे खड़े हुए, उधर से ट्रैफिक आ गया तो लोगों में उम्मीद जाग पड़ी है। ये जो दिख रहे हैं पहाड़ ऊपर से, वो एक पाइप आ रहा है और उससे अगला, ये पूरे नीचे आ गए थे अभी, और ये 3 JCB लग के इन्होंने फटाफट रास्ता क्लियर किया है। 1 घंटे में इन्होंने रास्ता क्लियर कर दिया, 1 घंटा में यहाँ फंसे रहे, पर फिर भी बड़ी जल्दी इन्होंने काम किया है। और अभी बस ये हमारा इस स्लॉट में हम लोग निकल जाएंगे होपफुली। अभी उधर से ट्रैफिक चलाया है, इधर का रोक के, तो ये देखिए ऊपर से अभी भी ये बहुत रिस्की है क्योंकि बिल्कुल लूज हो चुके हैं, काफी ऊपर बड़े बड़े पत्थर दिख रहे होंगे जो बिल्कुल टिके हुए हैं हल्के से, और ये अभी खुल गए हैं। हाँ, पूरा बादल देखो कैसे नीचे आ गया है, बादल भी इधर, तो शायद आपको पहाड़ है इसलिए नहीं दिख रहे होंगे, दूसरी साइड बहुत बहुत ज्यादा नीचे आ गया, पूरा जैसे कोहरा आ जाता है ऐसे हो गया। ये लैंडस्लाइडिंग अभी भी हो रही है और ये कभी भी बढ़ सकती है, अभी कम नहीं, बढ़ सकती है कभी भी अचानक। तो देखिए यहीं पे पूरा इंतजाम इन्होंने करके रखा है ताकि किसी भी सिचुएशन से निपटा जा सके, ट्रेन से यहीं पे लगातार खड़ी है, पूरा ये बेचारे अपना तंबू लगा के यहीं पे बैठे हैं। देखे कैसे ये लोगों को मतलब कोई कष्ट ना हो इसके लिए, खुद कितना कष्ट यहाँ पे, जैसे देख कितने बड़े बड़े पेड़ पीछे आते थे। और भाई अभी ये हाल है तो जब एक्चुअल जब वो तबाही आई थी तब क्या हाल हुआ होगा, भाई सोच के ही डर लग रहा है कि तब क्या हाल होगा जो अब ऐसा है। ये देखिए पीछे कितना मलबा पड़ा है, इधर की काम बहुत लंबा हो चुका है, काफी लंबा हो चुका है, तकरीबन 1 किलोमीटर करीब जाम हो गया। ये हम उधर, क्योंकि हम भी उधर 1 किलोमीटर पीछे से आए हैं, पत्थर देखना, चट्टान है, पत्थर नहीं कह सकते इसको, ये तो चट्टान है, पत्थर तो छोटे होते हैं वो तो जाम बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, ये तो काफी पीछे तक आ गया। तो चलो ये है, लोग अपनी साइड में खड़े हैं, इधर नहीं आए हैं, नहीं तो लोग बार बार इधर ही दूसरे रॉन्ग साइड आ जा रहे थे, उससे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो देखिए हर जगह हो रही है लैंडस्लाइड, यहां से तो क्लियर कर दिया, यहां भी हुई थी, पर इस मंजर में भी देखिए कितने खूबसूरती है, इतना खतरनाक मंजर, और उधर दूसरी तरफ देखो, एक तरफ है इतना भयानक दृश्य और एक तरफ जिंदगी, कितना खूबसूरत दृश्य है, बादल बिल्कुल नीचे आए हुए हैं, भाई गजब है, दोनों चीजें एक ही टाइम पे हैं, दोनों दो दो चीजें आपको दिख रही है। यहाँ भी पूरा एक साइड किया हुआ है, एक साइड का रोड पूरा खत्म हो गया बिल्कुल, ये देखो पेड़ ही पेड़ टूटे पड़े हैं, पूरा खत्म। नहीं फायदा तो है, अब उसने रोक लिया वो दीवार ने, उसके ऊपर से तो आएगा, उसके ऊपर से आ गया, दीवार ने तो देखो रोक रखा है और उसके बीच में जो गैप था वहां से आ गया, फिर वो तो अपना रास्ता बना लेगा। अभी हमने क्रॉस किया है ब्रोग, और इधर से ये लेके जा रहा है, मैं ये जाता है ब्रोग, ब्रोग से जाएंगे हम सोलन, और आगे शायद फिर वही NH पे ही शायद मिला देगा हमें, कौन सा NH 8 है ना वो, उस पे ही मिला रहा आगे, तो वो देखते हैं NH 5, सॉरी NH 5 पे। ये रास्ता थोड़ा सही लग रहा है उससे, वो ज्यादा उस पे जगह जगह लैंडस्लाइड हुई हुई थी, टचवुड अभी तक तो इस पे सही है, होप आगे भी सही मिले, थोड़ा डाउन हिल जा रहे हैं से, फिर हम जाएंगे शिमला से, शिमला
अंदाज से जाएंगे मशोबरे। और भाई ब्यूटी इधर भी जबरदस्त है रोडों की। तो बारिश होने हो जाते हैं अच्छे पहाड़, देखो ग्रीनरी ग्रीनरी दिखेगी हर तरफ। अच्छा 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 बताओ जल्दी, भूख लग रही है यार, जल्दी दो ऑर्डर प्लीज। चार तंदूरी रोटी और दो बटर नान। व्यू देखो भाई साहब क्या। अभी हम यहाँ थोड़ा खाना खाने के लिए रुके थे, शाम को सबको भूख लग रही थी। बेटा उधर जाओ, गैप ज़्यादा है इसमें। नहीं उधर से हिस्से में से देखो आप, गैप ज़्यादा है इसमें बेटा। और ये देखे ऊपर बादल बहुत नीचे आ चुके हैं, और इससे भी सुंदर सुंदर नज़ारे आपको आगे वीडियो में दिखने वाले हैं, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ तो इससे भी सुंदर नज़ारे हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, देखते रहिए। और भी आगे आपको रास्ते के व्यू दिखाते चलेंगे, बहुत ही सुहावने बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। यहाँ हमने तरन तारन फैमिली ढाबा है, यहाँ पे हमने जो है अभी डिनर किया और अब यहाँ से निकल रहे हैं सब। डिनर अच्छा था, मज़ा आ गया, भूख लग रही थी सबको काफ़ी। तो भाई खाने का वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला, इतनी भूख लग रही थी। हाँ डिनर ही हो गया। तो चलिए अब चलते हैं आगे।